पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12th के सिलेबस का पढ़ाई कर चुके हैं और आज का जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम लोग यूनिट 1 की ओर आगे बढ़ेंगे। जहां तक आप लोगों को बता दिया चुका है, यूनिट 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन और आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आइए यूनिट 1 की ओर हम लोग देख लेते हैं। यूनिट वन में आप लोगों को नाम बताया गया है इसका। पहला यूनिट है इसका रिलेशन एंड फंक्शन। बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम रिलेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिलेशन को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स के नॉलेज जरूरी है। आइए भी देखते हैं बेसिक फैक्ट्स की क्या जरूरत है। अब जहां तक आप लोग बता दूं, मैं रिलेशन का जो डेफिनेशन है ये क्लास 12 से रिलेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट आप लोग को 11th में मिल चुका है। 12th में डायरेक्ट कांसेप्ट ऑफ रिलेशन की ओर आगे बढ़ना है हमें। तो सबसे पहले जरूरी होगी कि रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशन के डेफिनेशन को समझना सबसे पहला काम होगा हम लोग का, पहला पग है। लेकिन यहाँ एक बात और आता है कि रिलेशन डेफिनेशन आया कहां से। जो रिलेशन है वो रिलेटेड है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये रिलेटेड है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट जिस बच्चे का क्लियर है वही समझेगा कि रिलेशन क्या है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आगे रिलेटेड होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकलता है, वैसे आप लोग अल्जेब्रिक प्रोडक्ट बहुत किए हैं, वेरिएबल का प्रोडक्ट निकाले हैं, नंबर्स का प्रोडक्ट निकाले हैं, बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का होता है। यानी यूं कहें हम तो टोटल मिलाकर के अगर हमें सेट, यानी कि इस रिलेशन का बेसिक यूनिट कहां मिलता है, सेट से, सेट क्लियर है तो ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि क्लियर है तब हम लोग रिलेशन के डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और फाइनली काइंड ऑफ रिलेशन में हम लोग चले जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है बेसिक फैक्ट्स। चलिए तो हम लोग काम करते हैं सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सेट का पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की ओर जाएंगे। सबसे बड़ी बात हो गई सेट क्या है, क्या करता है। आज का सबसे पहला यूनिट होगा हम लोग का सेट। वैसे तो इसको डिटेल से पढ़ना है क्लास 11 में, बट 12 में मैं इसको शॉर्ट में बेसिक फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। डिटेल्स में आप लोगों को वीडियो बनेगा, उसमें 11 का पढ़ाई जब होगा उसमें आप लोगों को इसको डिटेल्स में पढ़ाई मिल जाएगा। अब देखिए सेट क्या है। सेट जो होता है बाबू, ये एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन तो आप लोग जानते हैं, जैसे बुक्स का कलेक्शन है ना बाबू, इसके बाद यूं कर सकते हैं कि कलर का कलेक्शन है ना जी, अलग अलग। यूं आप कर सकते हैं कि बैट्समैन का कलेक्शन, अलग अलग प्रकार से कलेक्शन हम कर सकते हैं। फ्रूट्स का है ना, वेजिटेबल्स का, ये जो कलेक्शन होता है ना यही हमारा सेट होता है। बट यहां ध्यान देना होगा कि कलेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इसमें कौन सा कलेक्शन है जो कि सेट होगा और कौन सा कलेक्शन होगा जो कि सेट नहीं होगा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिख लिया कलेक्शन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कलेक्शन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का मींस क्या होता है। जितने भी बच्चे हैं हर एक स्टूडेंट के लिए नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है और वो फाइनली कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। ये किसी के लिए डिफरेंट नहीं है, सबके लिए सेम होगा, 1 to n सबके लिए होगा। अगला कोई एक ऐसा कलेक्शन हम ले लेते हैं कलेक्शन ऑफ
फोर बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। देखिए बाबू, यहां जब बेस्ट स्टूडेंट का बात आता है तो जरा हमें बताइएगा तो आप लोग कि कौन कौन बाबू बेस्ट स्टूडेंट है, कौन कहेगा नहीं है। यहां तो सब बेस्ट ही है, यानी कि एक ऐसा कलेक्शन आ गया है जब हम बेस्ट का नाम रख दिए। ये जो बेस्ट का नाम आते ही यहां पर एक स्टूडेंट जो भी बेस्ट होगा, यहां का दिक्कत हो रहा है, सब कहने के हम हैं, यानी आप किसी को पार्टिकुलर नहीं कर सकते हैं। यहां हर एक व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग चॉइस होगा। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्शन है ये सबके लिए कॉमन नहीं है, बट यहां जो हमने बोला नेशनल नंबर का कलेक्शन ये सबके लिए कॉमन है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये देखिएगा, ये हमारा क्या है बाबू, कॉमन कलेक्शन है। और जब कॉमन कलेक्शन होगा और ये क्या है बाबू, नॉन कॉमन कलेक्शन है ना, जरा ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्शन कॉमन होगा वही हमारा सेट है, अदरवाइज सेट नहीं है। यानी कि ये हम क्या बोलेंगे, सेट, और इसे क्या बोलेंगे, नॉट सेट। क्लियर, अब लोग समझ गए, सेट यानी एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन कैसा होना चाहिए, जो सबके लिए सेम हो, यानी कॉमन कलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। और ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए अलग अलग हो वो हमारा सेट नहीं होगा। तो फाइनल हम लोग डेफिनेशन पे पहुंच जाते हैं और अब हम लोग डेफिनेशन इसका कर लेंगे। ये देखिए हम लोग का डेफिनेशन इसका क्या होगा, इस बारे में जरा समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या हो सकता है। जो कॉमन है वो सबके लिए है और जो कॉमन नहीं है वो सबके लिए अलग अलग है। यानी कि इसको लिखा जाता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। क्लियर, समझ गया आपको, एक ऐसा कलेक्शन जो सबकी के लिए अलग अलग हो, कॉमन होना चाहिए, और सब में कॉमन होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको सेट कहेंगे। ये हम लोग का डेफिनेशन हुआ, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। पहले तो ये सेट का एग्जांपल हो जाता है, यहां से आप लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब आप लोग ये तो सेटिस्फाई है कि सेट कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर कहीं चूज करने के लिए आ जाए कि कौन सेट है कौन नहीं है तो फाइनली आप लोग चूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ हम लोग नोट की ओर बढ़ते हैं, इसमें कुछ स्पेशल कुछ नोट्स हैं उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जितने भी सेट हैं उनको आप किसी न किसी लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक पॉइंट को, मैथ एक ऐसा चीज है इसमें हर एक डेफिनेशन को, हर एक खास टॉपिक्स को कुछ ना कुछ डिनोट करने के लिए लेटर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो सेट है ना, सेट को भी डिनोट करने का एक लेटर होता है। नोट नंबर वन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। किसके द्वारा बाबू, कैपिटल अल्फाबेट्स के द्वारा सेट्स को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान दीजिए इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि सेट का ये जो ऑब्जेक्ट मिला आपको, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसी का दूसरा नाम है एलिमेंट, इसे मेंबर भी कहा जाता है,
ऑफ अ शेट आर ऑलवेज डिनोटेड बाय अ स्मॉल अल्फाबेट्स। ध्यान देना आपको, जब सेट होगा, जब सेट आ जाए उसे डिनोट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट से, और जब उसके ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट हो या मेंबर उसी को कहा जाता है, इन्हें हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से ही डिनोट किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया, यही हमारा नोट था, हमने जो नोट लिखवा दिया। एक और चीज नोट में लिखवा देता हूं जो काफी आप लोग काम करेगा, कई जगह पे मैं जब भी रिलेशन में आऊंगा तो मैं बिलोंग्स टू का साइन दूंगा एप्सिलॉन, जिससे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एप्सिलॉन मैथ में भी काम आता है, उसका भी कुछ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ शेट बी, मान लीजिए कोई एक ए एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है जो कि सेट बी का एक एलिमेंट है, तो आप इसे भी तो कहीं ना कहीं कुछ रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए कि आप लोग इस कोचिंग में पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ होना चाहिए, यहाँ बनता हो फी शिफ्ट है, फॉर्म है, बैग्स है, वगैरह बहुत चीजें हैं जो कि यहाँ का प्रूफ देता है कि आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं। तो वैसे ही जब एलिमेंट है इसको भी कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए ना हमें, वही हम लोग कुछ प्रूफ की बात करेंगे, क्या होना चाहिए। Then it is denoted by A belongs to B। ध्यान देंगे इसका नाम क्या है, इसे हमेशा आप लोग एक साइन द्वारा ही रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस साइन का नाम क्या है, बहुत लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप लोगों को मिला होगा फिजिक्स में, और इसे एक और नाम से भी पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, इसे दो नामों से पढ़ा जाता है साइन को, और इसका पूरा काम होता है रिप्रेजेंट करना। और एक और खास बताओ उसके ध्यान दीजिएगा, इस बिलोंग्स टू साइन के लेफ्ट और राइट में हमें कुछ और मिलता है, क्या मिलता है उसको भी ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा आप लोग को। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा एप्सिलॉन का साइन है, इसके दोनों तरफ क्या क्या चीज लिखे जाएंगे इसको भी आप ध्यान देंगे। तो देखिए, इसके हमेशा लेफ्ट में, एप्सिलॉन के हमेशा लेफ्ट में हमें एलिमेंट रखना होता है, और राइट में बाबू सेट, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन के लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट होगा और राइट में हमेशा सेट होगा। यहां तक की टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गई। नोट में तीनों नोट हम लिखवाए हैं, नोट नंबर वन है सेट आर सेट्स आर ऑलवेज नोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, सेट्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वही इसके ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट या मेंबर जिसे हम बोले उसे हमेशा हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। और साथ में अगर कोई एक एलिमेंट किसी भी एक सेट से मैच करता है, उसका ही एलिमेंट है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए एप्सिलॉन बी। और खास चीज है इस एप्सिलॉन के लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट होगा और राइट में हमेशा ही सेट होगा, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। आप लोग को इतना क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं। देखिए सेट्स को तो हम लोग लिख लिए, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने का भी कुछ तरीका होता है, दो प्रकार से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रिप्रेजेंट के टू मेथड्स हैं, चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप।
देखिए बाबू, किसी भी सेट को हम लोग दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर उसको टेबलर फॉर्म कहा जाता है, और दूसरा होता है सेट ब्यूल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म को देख लेते हैं, इसको टू टाइप से नोट करते हैं, वर्णन करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, या कई बार इसको टेबलर फॉर्म भी कहा जाता है। वही नंबर टू जो है उसका नाम है शेप बिल्डर फॉर्म। हम शेप को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बाबू रोस्टर या फिर टेबलर फॉर्म, दूसरा शेप बिल्डर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, अगला हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबलर फॉर्म। आइए फर्स्ट यूनिट बनाते हैं हम रोस्टर फॉर्म। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन ऑफ एन नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का यदि हम कलेक्शन का बात करते हैं, इसे हम दो प्रकार से लिखेंगे। एक देखिए, मान लीजिए कि आप यहां इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, क्या 1 2 3 4 5, यानी कि यदि हम इसके एलिमेंट्स को, किसी भी कलेक्शन के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके और इन्हें लिस्ट करके कर्ली ब्रैकेट से बाउंड कर दे, तो ये हमारा होता है रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट होते हैं सेट के यानी कलेक्शन के, उन्हें कॉमा से सेपरेट किया जाता है और फिर इसे कर्ली ब्रैकेट से बाउंड कर दिया जाता है। इसको लिख सकते हैं In this form, element of a set separated by comma and enclosed within curly brackets। क्या कहता है, जो एलिमेंट होते हैं सेट के, जो एलिमेंट होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है एलिमेंट के सेट को, सॉरी सेट के एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, और फिर इन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। यही हमारा होता है रोस्टर फॉर। कहीं भी अगर कलेक्शन है तो आप उसे इस प्रकार से लिस्टेड कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। चलिए सेकंड फॉर्म पर आगे बढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जब हम लोग सेकेंड की ओर आते हैं तो इसमें हम लोग का नाम होता है शेट बिल्डर ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी को अगर मैं ले लूं
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिए अभी मैंने क्या किया, इसे मैंने सेपरेट किया कॉमा से, और सेकेंड टाइप में मैं अगर इसे किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दूं, देखिएगा हर बार आप लोग को कहीं ना कहीं स्टेटमेंट एक्स वाई जेड इस प्रकार से वेरिएबल से कहीं लिखा हुआ हो, उसे वेरिएबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी क्या है नेचुरल नंबर, यानी कि वेरिएबल से यदि हम इस प्रॉपर्टी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर दें तो ही हमारा होता है सेट बिल्ड और फॉर। एग्जांपल इसका, अब अगर मैंने कोई यहां पे एक एलिमेंट दे दिया, देखिए मान लिया मैंने एलिमेंट को एक्स, एक नेचुरल नंबर एक्स मैंने मान ली, और एक्स के अकॉर्डिंग मैं इस प्रॉपर्टी को लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लिखने का बहुत तरीका है नेचुरल नंबर। यहां आप क्या देख रहे हैं कि यदि एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया गया, ये वेरिएबल है ना, इससे रिप्रेजेंट किया गया तो ये हमारा सेट बिल्ड और फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। यहां भी हम टोटल एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म में भी टोटल एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो क्लियर हो गया सेट बिल्ड और फॉर्म क्या होता है, इसमें एक वेरिएबल और इस साइन का एक नाम होता है, इसे साइन ऑफ कोलोन, कोलोन का साइन कहा जाता है, या सच दैट भी कई बार हम लोग इसको बोलते हैं साइन ऑफ कोलोन, और सच दैट से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोग को मिल गया सेट बिल्ड और फॉर्म, अभी पीछे हम लोग पढ़ लिए रोस्टर फॉर्म, बस इतना ही। इसका डीपली जो होगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग वो आप लोग क्लास 11th वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब जरा काम कर लेते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के शीट्स को लिख लेते हैं जो काफी ज्यादा हमें काम होगा, कई बार हमें रिलेशन में मिलेगा, फंक्शन में मिलेगा, आर टेंस टू आर, एन टेंस टू एन, जेड टेंस टू जेड, क्यू टेंस टू क्यू, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या है जेड, क्या है आर, क्या है क्यू, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग डाल लेते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट। देखिए बाबू इसमें हम लोग आप लोग कई बार एन से देखेंगे, एन एन लिखा हुआ मिलेगा, एन से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यस कीजिए सिंपल सर है, एन मीन्स नेचुरल नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो क्या लिखूंगा मैं एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बहुत काम आएगा आप लोग को, बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा, एन कहीं दिखाई दे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगला आप लोग का होगा बाबू जे, ये जे जेड क्या होगा, जेड से आप लोग जानते हैं जो बच्चे क्लास 11 पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा, जेड मीन्स सेट ऑफ ऑल एंटेजर्स, क्लियर सेट ऑफ ऑल एंटेजर्स, एग्जाम्पल भी करेंगे इसका हम, अभी एग्जाम्पल भी होगा। तो देखिए इसका अगर एग्जाम्पल कर दिया जाए तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और z इज इक्वल टू जेड से क्या होगा बाबू इंटीजर, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होगा, तो माइनस माइनस टू जीरो वन फाइव इनफाइनाइट, इंटीजर आप लोग जानते हैं। अगला पॉइंट होगा अगर जेड प्लस कहीं दिखाई दे दे बाबू, ये जेड प्लस किसके रिप्रेजेंट करेगा, ओनली फोर पॉजिटिव इंटीजर,
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके लिए बाबू टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स जितने हैं केवल इसमें आप लोगों का पॉजिटिव इंटीजर आएगा 1, 2, 3 एंड 5, ओनली पॉजिटिव ही इसमें नंबर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये आप लोग का क्लियर। लास्ट है, अभी एक और है जिसका नाम जेड माइनस कहीं अगर आपको दिखाई दे, ये जेड माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल है, यदि जेड है इंटीजर्स के लिए, जेड प्लस है पॉजिटिव के लिए, तो जेड माइनस किसके लिए होगा? नेगेटिव के लिए। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव का एग्जांपल -1, -2, -3 इनफाइनाइट, माइनस ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? देख लीजिए, एन फॉर नेचुरल नंबर, जेड फॉर इंटीजर नंबर, जेड प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस फॉर नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? चलिए आगे कुछ लिख लिया जाए। जेड हो गया, हम लोग और लिख लेते हैं क्यू। क्यू मींस क्या होगा? क्यू से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? रेशनल नंबर से। क्यू से रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसके लिए बाबू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एग्जांपल क्यू मिलेगा 4 √4 -3 -2.5 एडिशन, और अगला क्यू प्लस लगेगा। अब तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्यू प्लस स्टैंड फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। एग्जांपल ओनली पॉजिटिव 1, 2, 1.5, 3.5 पॉजिटिव के बाद वो नेगेटिव, यानी कि क्यू माइनस। अगर हम क्यू माइनस दे दें वो हमारा होगा नेगेटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जरा इसको लिख लिया जाए, समझ लिया जाए। एग्जाम्पल है ये क्यू माइनस, सो नेगेटिव -2, -3, -√4 एडिशन। अगला हम लोग जानेंगे आर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर मीन्स बाबू रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। एग्जाम्पल कर लिया जाए तो इसका आर इज इक्वल टू 1 √3 √5 √4 -4 -√7 etc. ठीक है, आइए अब r माइनस की ओर आते हैं। r माइनस r प्लस और लास्ट में c पढ़ाऊंगा मैं, इतने पे ही इसको रोक दिया जाएगा। r प्लस स्टैंड फॉर किसके लिए हो सकता है?
शेड ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो देख लीजिए इसमें क्या होगा, एग्जांपल आर फ्लॉप प्लस के लिए चला जाए तो इसमें 1, 2, √3, √7 ऑनली फॉर प्लस, नेगेटिव नहीं आएगा इसमें। देखिए आर प्लस हो गया, अगला होगा हम लोग का आर माइनस, इसके लिए शेड ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर्स। नोट कीजिए एग्जांपल आर माइनस, इसमें बाबू हम लोग -2, -3.5, -3/5 जो भी होगा नेगेटिव होगा। और एक लास्ट ये होगा आप लोग का सी, इसके लिए होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी यही रख देते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, ऐसा नंबर निगेटिव स्क्वायर रूट, निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स में दो आते हैं रियल एंड इमेजिनरी, तो इमेजिनरी का निगेटिव रूट होता है और ये हम जो होता है एक रियल नंबर होता है, दोनों का मिक्स कर दीजिए तो मिल जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल -√7, 2 + -√4 ठीक है, बहुत काम आएगा। R प्लस फॉर रियल नंबर, R माइनस फॉर निगेटिव, ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए, और C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, आइए आगे एक और पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये भी आप लोग काफी काम आएगा, इसका नाम है सबसेट। सबसेट क्या है थोड़ा इसको जान लेते हैं, क्योंकि कई बार यानी कि रिलेशन का डेफिनेशन ही सबसेट स्टार्ट होता है, तो पहले जरूरी है सबसेट के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। आइए देखिए, ये तो एग्जांपल ले तो हमने एक सेट ले लिया 1, 2, 3 है ना, एक और सेट ले लीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5 दोनों में क्या कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन मिल रहा है आप लोगों को दोनों में? देखिए तो कुछ रिलेशन जरूर है, बस आप लोगों को सर्च करना है, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, यहां भी 2, यहां 3, यहां भी 3, मतलब सेट ए के टोटल एलिमेंट जो हैं सेट बी के भी एलिमेंट हैं। क्या देख रहे हैं, सिंस देख सकते हैं ऐसा डेफिनेशन आ गया, इफ every element of set A is also also element,
देखिए आप यहां देख रहे हैं कि इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी टू, इसमें भी टू, इसमें थ्री, इसमें थ्री, टोटल जो एलिमेंट है मैच कर रहा है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए को सेट बी का, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी एंड डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। देख लीजिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी का भी एक एलिमेंट होना चाहिए। यदि ये मैच करता है तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाता है और इसे इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। और इसका मतलब होता है ए सबसेट बी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी तभी कह सकते हैं यदि ए ए में एलिमेंट हो तो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो क्लियर होगा आप लोगों का सबसेट, देख लीजिए ये आपका सबसेट होगा। सबसेट के साइन के कौन से मैं लिखूं यहां पे, किस सबसेट के साइन के दोनों साइड, इस साइड भी सेट होगा और इस साइड भी शिफ्ट होगा, काफी इंपॉर्टेंट है समझ कर रखिएगा। सबसेट के साइन के दोनों इन साइड सेट ही रहते हैं, वही एप्सिलॉन के यानी कि बिलोंग्स टू के साइन के लेफ्ट में एलिमेंट होता है और राइट में सेट होता है। चलिए आप लोग आगे एक और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो बेसिक कंसेप्ट में ही काम आएगा। सबसेट आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, कई बार सबसेट सबसेट मिलेगा रिलेशन में जहां ये काफी हेल्प करेगा आप लोगों को। अगला एक बेसिक टॉपिक होगा जिसे हम लोग बोलेंगे इंटरवल। इंटरवल आप लोग जानते हैं क्लास 11th में हमें तीन टाइप से इंटरवल मिला है, उस इंटरवल को भी जान लेते हैं क्योंकि लेसन टू फंक्शन, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वहां भी इंटरवल आप लोग को मिलेगा सॉल्यूशन, हर बार सॉल्यूशन में इंटरवल मिल ही जाएगा। तो इंटरवल आप कैसे लिखेंगे ये जानना जरूरी है, इंटरवल का वैल्यू क्या होता है, मतलब क्या होता है, तीन प्रकार से इंटरवल होते हैं, आइए देख लेते हैं। इंटरवल टोटल तीन टाइप है इंटरवल का, नंबर वन होगा क्लोज इंटरवल और नंबर टू होगा ओपन इंटरवल, नंबर थ्री होगा सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तीन टाइप आ गए, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। चलिए इसमें से नंबर वन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्लोज इंटरवल की ओर। ये क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई दो नंबर ले लिया है, देखिए
ए और बी, आपने कोई एक नंबर लिया, ए की वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 15, आप क्या देख रहे हैं कि ए लेस देन बी। अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे ये बोलूं कि 2 और 5 के बीच जितने भी नंबर है रियल नंबर से उन्हें आप कलेक्शन करिए, तो इनफाइनाइट नंबर्स है, 2 और 15 के बीच बहुत ज्यादा नंबर है, तो इसे हम एक साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम इस प्रकार से लिखें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 'a' and 'b', मतलब ए और बी दोनों होना चाहिए, ए और बी के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी का सेट इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड, ए और बी को लेकर कितना बनेगा क्लॉज इंटरवल, ओके। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय ध्यान दीजिएगा क्लोज इंटरवल को इस प्रकार से डोनोट करता है, बिग ब्रैकेट से क्लोज इंटरवल को डोनोट करता है, और इसका मतलब क्या होता है इस पर ध्यान दीजिए। अगर क्लोज इंटरवल ए बी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, ए भी इंक्लूड है बी भी इंक्लूड है, और इनके बीच के टोटल नंबर का सेट जो होगा वही हमारा होगा क्लॉज इंटरवल। यानी कि अगर मैं 2 और यहाँ 15 लिख देता हूं इस प्रकार से इंटरवल का, इसका मतलब होता है कि 2 2.1 इनफाइनाइट लास्ट कहां तक 15, क्लियर है। क्लॉज इंटरवल मींस यहां पे जो जो भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हो नंबर है वो भी इंक्लूड होगा, और उनके बीच के सभी रियल नंबर का जो सेट होगा वो हमारा क्लॉज इंटरवल होगा, और इसे इस प्रकार के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओपन इंटरवल। आइए नंबर 2 ओपन देख लेते हैं, आप फिर सेमी ओपन सेमी क्लॉज देखेंगे। ओपन इंटरवल आइए, तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू इस पर मैंने 5 ले लिया और बी का वैल्यू मैंने 8 ले लिया, ध्यान दीजिएगा यहां आप क्या देख रहे हैं ए लेस देन बी, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा ए और बी छोड़ करके ए बी नहीं होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, ओके, एंड डिनोटेड बाय एंड इट इज डिनोटेड बाय ऐसे दो प्रकार से डोनोट करता है, अ स्मॉल ब्रैकेट्स, ओके, और इसका मतलब क्या होता है x such that x greater than a and less than b,
एस के बीच के टोटल एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं 5 8, क्या आप लिखेंगे 5.1 5.2 5, मतलब 5 नहीं होना चाहिए, 5.1 इनफाइनाइट, 7.999 चल जाएगा, बट 8 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ओपन इंटरवल ये साइन होता है और इसका टोटल सेट ही होते हैं, इनके बीच के एलिमेंट होते हैं। ये आप लोगों को बहुत काम आएगा ट्वेल्थ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का क्लोज इंटरवल, सॉरी सेमी ओपन सेमी क्लोज। आइए थर्ड नंबर देख लेते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। दीजिएगा नाम से ही क्लियर है, आधा ओपन होगा और आधा क्लोज होगा, दो साइड से होगा, एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने ए का वैल्यू बार 7 लिया, बी का वैल्यू 10 ले लिया। आप क्या देख रहे हैं, ए लेस देन बी, हमेशा हमें कहेगा इंटरवल में लेफ्ट में लेस वैल्यू होता है और राइट में ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग बी इज कॉल्ड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। क्लियर ना, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय जिस साइड से ओपन होगा बाबू स्मॉल ब्रैकेट, और जिस साइड से क्लोज होगा बिग ब्रैकेट देंगे। आइए इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है बट लेस देन इक्वल टू बी। अगर मैं यहां वैल्यू दे दूं तो ध्यान दीजिएगा 7 तो नहीं रहेगा, 7.1 कुछ 7.05 से स्टार्ट होगा बट 10 तक जाएगा। क्लियर हो गया? तीनों इंटरवल, तीन टाइप के इंटरवल हम लोग देखे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। तीनों के बारे में समझ लिए, बहुत काम आएगा आप लोग को। चलिए अगला टॉपिक होगा हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ये बेसिक यूनिट का लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हम लोग का बेसिक यूनिट का है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखते हैं। अरे तो जरा एक काम करें, कोई हम सेट ले ले 1 2 3, हमने एक सेट ले लिया, एक और सेट ले लिया 4 5, जरा मल्टीप्लाई करिए तू दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी एलिमेंट 1 2 3 क्रॉस 4 5। एक मिनट बच्चों, यहां एक मैं काम करूंगा आप लोग को, आप लोग जूनियर क्लासेस में काम किए हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी प्लस सी, आप लोग क्या करते थे देखिए, यहां पर x से m मल्टीप्लाई करते थे,
फिर x से ही b में मल्टीप्लाई करते थे, फिर x से ही c में मल्टीप्लाई करते थे, करते थे। चलो इसको लिख लेते, ऐसे कैसे होता था, x इंटू ए, x इंटू माइनस बी, x इंटू सी करते थे ना, फिर अप्लाई करते थे y मल्टीप्लाइड बाई ए, y मल्टीप्लाइड बाई बी, y मल्टीप्लाइड बाई सी विथ साइन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये काम आप लोग बचपन में किए हैं, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी, यानी कि यहां जो ऐसे एलिमेंट है पर यहां अलजेब्रिक साइन है, यहां पर कॉमा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही प्रोसेस यहां यूज करेंगे। चलिए कैसे यूज करेंगे, देखिए वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां प्रोडक्ट के लिए साइन था, लेकिन यहां पर कॉमा है, कॉमा है तो नहीं ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो करते हैं वो लिखेंगे, बस क्रॉस के रेस्पेक्ट में काम करेंगे, वन टू फोर एंड वन का प्रोडक्ट फाइव से, फिर बाबू टू को फोर से, टू को फाइव से, फिर अगली बार हम लोग आएंगे थ्री क्यू, थ्री का फोर से और थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई, चलिए इसको लिख लेते हैं, हो गया हम लोग का मिल गया, ये भी एक सेट ही होगा, आइए वन टू फोर, वन फोर, बस इन्हें हम एक पेयर बनाएंगे, इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, हम इसे पेयर बनाएंगे, वन टू फोर, वन टू फाइव, नेक्स्ट टाइम टू से, टू टू फोर एंड टू टू फाइव, थ्री से, थ्री टू फोर एंड थ्री टू फाइव, हो गया, यही हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा इसी प्रकार से, जो भी सेट आपके पास अवेलेबल है, जिन दो सेट्स के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम करना होगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और रेस्पेक्टिव एलिमेंट, हाँ इसमें यह ध्यान देना होगा कौन एलिमेंट कहाँ है, ये भी ध्यान देना है, यानी कि ए बी है तो ए का एलिमेंट पहले होगा, बी का एलिमेंट बाद में होगा, यानी कि अगर ए क्रॉस बी को हम एक लैंग्वेज दे दें तो लिख सकते हैं ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ओके क्लियर, कई कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कर सकते हैं, यानी कि इसका डेफिनेशन कोई खास काम नहीं है, डेफिनेशन 11th क्लास में मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी के बीच के जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो फाइनली आप ड्राइव कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर कहीं बी क्रॉस ए पूछ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा बी क्रॉस ए कह दिया जाए, इस बार बी पहले ए बाद में, और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल, क्लियर ना, मैं इसको रेस्ट कर देता हूं, इससे कोई खास काम नहीं है, समझने के लिए था, एक और चीज यहां मिलता है, अगर मैं यहां नंबर ऑफ ए का बात करूं कितना हो रहा है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री, वन टू, जरा आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी में हमें कितने एलिमेंट मिले हैं, एक एलिमेंट, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि टोटल हमें सिक्स एलिमेंट्स मिले हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का टोटल एलिमेंट सिक्स, यानी कि नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बाय नंबर ऑफ बी, क्लियर ना, तब लोग याद रखेंगे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का जो टोटल वैल्यू होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, इस प्रकार से आप लोग का बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें जानना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा दो का एलिमेंट का पेयर होता है, अगर मैं कहूं आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब कि जो आर का एलिमेंट होगा, जो रिलेशन का एलिमेंट होगा, ये इसका ही
इसमें मैच कर जाएगा, यानी इसका सबसेट होगा, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्लियर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग का? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाई करेंगे रिलेशन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन, जो क्लास 12 की और बेसिक फैक्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं रिलेशन के लिए।